हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तुम्हारा भाई खुशी को लेकर जा रहा है खुशी। कहाँ पे? शाहिद भाई के पास नहीं, रहीस भाई के पास। सीन ऐसा है कि वो मैकेनिक भाई ने ही सारा सेटअप इसमें इंस्टॉल करा है। अब क्या है कि इस बाइक के अंदर ना एक छोटी सी दिक्कत ही आ रही है सेटअप के अंदर, कि जो इसकी प्लेट है ना वो हल्की सी बैंड है, ठीक है जी। और थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक जगह से मतलब टायर स्मूथ चलता है, दूसरी जगह आकर जाम हो जाता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आपको, ठीक है जी। और पिछली वीडियो के लिए थैंक यू सो मच, अच्छा खासा रिस्पांस मिला उसके लिए और कमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो हाँ, तो सीन ये है कि भैया मैंने उनको बोल रखा था मैकेनिक भाई सबको कि मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा, मनाली वनाली घूमने जा रहा हूँ ज़रा। तो उसके बाद जब मैं आऊँगा, अगर उस बीच में जब तक भैया चलाएंगे, अगर वो रमा हो गया, रमा मीन्स के फ्री हो गया टायर, तो ठीक है। अगर नहीं होता तो भाई आप मेरे लिए दूसरी प्लेट अरेंज करना। और फिर बोला कि ओके हो जाएगा मामला। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है भाई, आप जब आओगे मैं नई भी अरेंज कर दूंगा, और क्या बोलते हैं कोई दिक्कत आएगी तो मैनेज कर लेंगे। मैं बोला ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ कि टायर ना हल्का सा जाम चल रहा है प्लेट के वजह से। तो सीन ऐसा है कि कैलिपर ख़राब होता तो ब्रेकिंग का इशू आ रहा होता, बट ब्रेकिंग जो है भाई बहुत सेट लग रही है। इट मीन्स कि ये हमारा जो कैलिपर है वो ओके काम कर रहा है, बट जो प्लेट है वो थोड़ी सी दुखदायक है, थोड़ी सी जाम चल रही है, थोड़ी सी चल रही। ज़्यादा होती तो मैं चलाता भी नहीं इसको, पता है, मैं खोल के लेके जाता क्योंकि इंजन पर लोड नहीं पड़ना चाहिए। तो सीन ये है कि भाई उनके पास जा रहे हैं और प्लेट वगैरह इसमें इंस्टॉल कराएंगे। बाकी इंस्टॉल कराने से पहले अभी कितना जाम और कितना फ्री है ये मैं आपको पहले क्रॉस चेक कराऊंगा, उसके बाद ही काम स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल खुशी को लेकर जा रहा हूँ। और सबसे खुशी की बात ये है कि भाई जितने भी मेरे स्प्लेंडर लवर वाले भाई हैं, जो मतलब होते ना कट्टर स्प्लेंडर वाले, उनके लिए खुशखबरी ये है कि भाई देखो, जिनको नहीं पता, क्या पता है वीडियो स्किप कर दियो, कि भाई इस पर ना हम करने वाले हैं दोबारा केदारनाथ राइड। और ज़्यादा बंदे नहीं जा रहे इस बार, हम तीन बंदे जा रहे हैं। एक मेरे इंस्टीट्यूट का फ्रेंड जा रहा है, ठीक है जी, उसका नाम है राहुल, उसका वजह कन्फर्म है, लेकिन एक होता है ना कि एंड मोमेंट भाई क्या हो जाए, तो अभी फिलहाल तो कन्फर्म है। तो राहुल जा रहा है और पिंटू जा रहा है, हम तीन बंदे जा रहे हैं। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि बाइक जा रही है दो और जा रहे हैं हम बंदे तीन, मतलब कि जो राहुल है वो अपनी बाइक पर जाएगा सोलो और हमारी खुशी पर जाएगा पिंटू और मैं, ठीक है जी। क्योंकि पिंटू को तुम्हें पता ही हो, जितने पुराने व्यूवर्स हैं, कि पिंटू की बाइक अभी थोड़े दिन पहले ही एक्सीडेंट होने की वजह से अभी मिली, एक डेढ़ महीने बाद। तो मैंने ही उसको बोला कि यार अपनी बाइक मत लेके जा अभी, ठीक है जी, बाद में लेके जाइयो। तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसा पिलियन जा रहा है, और केदारनाथ भाई उसका भी ड्रीम था, और मैं तो खैर जा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये अपडेट है फिलहाल अभी तक की। अब मैं थोड़ा सा आपको म्यूज़िक सुनाता हूँ शॉर्ट्स के साथ, और फिर करते हैं काम, ठीक है। क्या हाल है रहीस भाई? बढ़िया। तो भाई हम आ गए फाइनली रहीस भाई दुकान पे। अब सीन ये है कि इसका सामान जो खोल खाल के ओके करेंगे इसको, और देखो टायर हो कितना जाम चल रहा है। देखो रहीस भाई, ये इतना तो फ्री चल रहा है, लेकिन ना मेरे को ना और चाहिए यार, ये प्लेट डाल के काम बन जाए, ठीक है, देखते हैं ना। तो भाई देख लिया आपने कितना फ्री चल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, फ्री तो चल रहा है, ये देखो, यहाँ पे थोड़ी प्लेट की टेढ़ा है, इस वजह से हो रहा काम। बाकी देखते हैं, रही भाई खोल रहे हैं। तो दोस्तों, भाई ने टायर लगा दिया एकदम ओके, बस एक्सल टाइट कर रहे हैं। अब टायर घुमा के देखेंगे भाई फ्री हो रहा कि नहीं हो रहा, ठीक है। मार भाई ब्रेक मार, अब घुमा, तो गाइस अब मैं चेक कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये देखो ये भी यही लग रहे हैं खाली हुए। नहीं, ब्रेक लगा है ना अभी, अब जाप नहीं है, देखो बिल्कुल फिर ये हल्के हाथ से घुमा, अब से ज्यादा क्या फ्री होगा, अब कहीं अटफस नहीं रहा, ठीक है।
ठीक है। तो भाइयों जो हमारा काम था डिस्क ब्रेक का, मतलब कि जो हमारी जो प्लेट दिक्कत दे रही थी वो रिजोल्व हो गया उसका केस। मतलब जो पुरानी जो हमें मिली थी, ये वाली दिखाता हूँ आपको मैं, ये जो वाली जो प्लेट थी मेरे पास जिसमें लगी हुई थी पुरानी, अब क्या था ये हल्की सी ना बैंड है, प्लस इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा थी, मतलब 5 mm ज्यादा थी। जो कैलिपर को नीड थी वो थी 3 mm की प्लेट, हमने लगा रखी थी 3.5 mm की, ठीक है ना। क्योंकि तो पता है मैंने इस बाइक का कुछ सामान, उस बाइक का कुछ सामान ऐसे करके मैंने असेंबल करा इसके अंदर, तो सीन यही था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। बट एट दी एंड यही हुआ कि प्लेट चेंज करानी पड़ी हमारे को और हमारा काम ओके हो गया। फिलहाल प्लेट नई रईस भाई ने अरेंज कर दी है। रईस भाई प्लेट कितने की अपनी? तो गाइस 450 की प्लेट हो गई। अभी जो सीन है कि शॉकर भी है इसके लीक हो रहे, तो फिर यहीं पे करा दूं, क्योंकि टाइम की कीमत जो है मेरे पास अभी ज़्यादा है, मतलब टाइम में वो बिल्कुल भी नहीं है, टाइम की कीमत मैं समझता हूँ। तो इस वजह से टाइम को मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल मैं वहाँ से नहीं कराऊंगा, शिव स्थाई दुकान से फिलहाल मैं यहीं से कराता हूँ, क्योंकि टाइम बचेगा मेरा, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे को, बस कल निकलना है केदारनाथ के लिए, तो इसलिए मैं सारे काम ना कराए चले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी आप देखो ये तो काम हो गया हमारा, काम ओके। अब जो है शॉकर जो है वो दोनों रिपेयर कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो स्टे ट्यून गाइस, थोड़ा सा टाइम लैप एंजॉय करो और फिर मिलता हूँ आपसे दोबारा ऑन रोड मोटर ब्लॉक के सेटअप पे, ठीक है। दोस्तों देखो ये होती है स्प्रिंग शॉकर के अंदर, और ये जो रखी हुई है शॉकर रॉड है, और शॉकर रॉड चलता है इस वाले जो ग्लास सा पड़ा है ना इसके अंदर चलता है, ठीक है भाई। एक मिनट छोड़ दो, एक मिनट उजा। तो जो ये शॉकर रॉड है ना वो इस ग्लास के अंदर चलती है, मतलब अप एंड डाउन होती है ये, इसका काम होता है बेसिकली इसका, ठीक है ना, समझ जाओ आप। और बाकी जो सील होती है उसका दिखाना नहीं, वाली सील तो ऐसी कुछ रहने वाली है शॉकर सील, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, इसमें से जब लीकेज हो जाती है, जब ये कट जाती है तभी जो है हमारी शॉकर से ऑयल आने लगता है, और जब ऑयल ज़्यादा बाहर आ जाता है तो फिर शॉकर के अंदर जो एक प्रेशर होता है ना वो लूज़ पड़ जाता है, ऐसे लप्पा लप्पा मारता है फिर वो, ठीक है। अभी यह नया शॉकर मतलब भरा जाएगा, नया तेल डलेगा और उसमें सील नहीं डलेगी, उससे क्या होगा कि शॉकर के अंदर जो हार्डनेस आ जाएगी, जैसे ऑयल जो शॉकर कंपनी से आते हैं, मतलब जो मतलब समझ रहे हो ना जेन्युइन शॉकर जो होती है एकदम, वैसा काम करेगा ये, ठीक है। फिलहाल भैया ने शॉकर का ग्लास साफ कर दिया है, शॉकर रॉड शॉकर स्प्रिंग, ठीक है जी। तो ये सेटअप है कुछ, बाकी इनको पैक करने दो, फिर दोबारा मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देख सकते हैं, भाई ने जो है फ्रंट पॉक हमारा जो पूरा इसमें डाल दिया है, सेटअप पूरा ओके हो गया है। अब जो है इसमें से ऑयल वगैरह लीक नहीं हुआ फिलहाल तो ये है, लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर भाई ने फिटिंग ओके कर दिया। थोड़ा सा जो पहले लूज चला था ना शॉकर, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो हो रहा था, अब वो चलेगा टाइट एकदम मस्त एकदम मक्खन, ठीक है जी। बाकी मैं हाथ लगा चेक कर देता हूँ, अभी तो फिलहाल यहाँ पे कोई ऑयल वॉयल मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसको वॉश भी कराएंगे, वो मॉर्निंग में कराऊंगा वॉश को, फिलहाल चलाएंगे इसको। और बाकी रही बात प्लेट की, तो प्लेट हमारी यहाँ लग गई, देख सकते हैं नई की नई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है बस अब माइंड मेरा फ्री हो गया कि हाँ भाई ये ओके हो गया, क्योंकि क्या होता है ना यार दिक्कत ना आए बाइक चलते टाइम, बड़ा दुख होता है गाड़ी खड़ी हो जाती है रास्ते में। तो अभी फिलहाल ये कि सेटअप हमारा ओके हो गया, फ्रंट वाला शॉकर भी लीक थे वो भी ठीक हो गए, प्लेट भी चेंज हो गई, कैलिपर पहले से ही ओके है, बस खाली अब वॉशिंग होनी है। और उसके बाद जो है फिलहाल के लिए टेम्परेरी बेसिस पे मैं राइड पर लेके जाने वाला हूँ, तो फिलहाल मैं इसको जो है पेंट स्प्रे ऐसी नॉर्मल मार लूँगा, वरना तो सलीम भाई ने मुझे बोल रखा है कि भाई लिया ना अगर टाइम मिला तो मैं पेंट वाली वीडियो बना दूंगा जाने से पहले, वरना फिर आने के बाद होगा, जैसा भी होगा आपको बता दूंगा। फिलहाल ये सेटअप देखो फटाफट टाइम लैप में किस तरीके से भाई सेट कर रहे हैं, और फिर मिलते हैं मोटो ब्लॉग सेटअप पे, करेंगे वीडियो क्लोज्ड। तो दोस्तों अपनी बाइक का सारा सामान जो फिट हो गया, देख सकते हैं ओके, नई डिस्प्ले लग गई है, पुरानी ये निकलवा दी, कैलिपर ओके, काम ओके हो गया एकदम। घुमाना बाइक भाई, घुमाना, ये देखो कितना स्मूथ हो गया, देखो बस छोड़ दो ब्रेक मत मिलाना, देखो कितना स्मूथ चल रहा है, इट मीन्स ये फ्री हो चुका है, ये देखो क्या बात है। तो भाई देखो ड्रम से थोड़ा सा ना चाहे कितना ही नहीं लगवा लो, अब थोड़ी सी डिस्क ब्रेक वाली हल्का हटा हल्का चलता है भारी, लेकिन हाँ ये है कि जितना जाम इससे चल रहा था ना उससे बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया। और अब जो है यहाँ से निकलने की बारी है, निकलता हूँ सेटअप पे, मिलता हूँ, करता हूँ वीडियो क्लोज, ठीक है। सो दोस्तों फाइनली अपनी बाइक का काम हो गया एकदम ओके, मतलब डिस्क ब्रेक की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब ये लगा लो कि अपनी जो खुशी है एकदम स्मूथ चल रही है, हैंडलिंग ओके, बस यही है कि शॉकर अभी दोबारा जो है इसकी सील बिल्ड जो नहीं डलवाई है,
नया ऑयल इसमें डलवाया है, तो नया ऑयल कभी भी डलवाओगे थोड़ा सा गाढ़ापन तो होता ही है, ऑब्वियस ही बात है। तो क्या क्या वो शॉकर के अंदर स्प्रिंग मैंने आपको कही थी वो ऊपर नीचे होगी, क्या होगा शॉकर ऑयल जो है ना थोड़ा सा पतला होगा, थोड़ा यूज टू हो जाएगा आपस में, तो क्या वो जो शॉकर है अच्छे से और काम करेंगे। बाकी देख सकते हैं हम बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब शॉकर भी अच्छे काम कर रहे हैं और प्लस हमारी जो ब्रेक है वो भी अच्छे काम कर रही है। आशा करूंगा कि ये जो हमारी जो शॉकर शीट डाली है भाई ने ये जल्दी लीक ना हो, क्योंकि भाई देखो ऐसा है राइड पर जाने वाला हूँ फुल ऑफ रोड मिलेगा वहाँ पे, मतलब बीच बीच में जो गांव पड़ते हैं छोटे छोटे वहाँ पे ऑफ रोड मिलने वाला है 100%। और प्लस बाइक के ऊपर होगी हम दो बंदे तो समझ सकते हो आप लोड होगा, तो उस बेस पे शॉकर सील जो है कामयाब होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो बस यही है, दुआ तो ये करूँगा सब कुछ ठीक रहे। और रही बात आपसे तो आप लोगों से गुजारिश है कि भाई वीडियो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा दो भाई साहब, बहुत सारे लोगों ने ना बेल आइकन नहीं सब्सक्राइब करके छोड़ा हुआ है भाई, बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो ऐसे साइडों में लिखाएगा ऑल, ऑल पे क्लिक कर देना बस हो जाएगा काम ओके। बाकी इसके नट बोल्ट मैंने चेक करा लिए खुशी के भाई सारे नट बोल्ट ओके, मतलब कि मेन इंजन के नट बोल्ट, आगे का एक्सल तो खैर टाइट हो गया, पीछे का एक्सल और झूले का एक्सल तीनों चारों एक्सल मैंने टाइट करवा लिए, सारे नट बोल्ट ओके हैं, तो मतलब वाइब्रेशन कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है और कोई भी चीज़ ढीली वीली होने वाली नहीं है, तो इंशाल्लाह सब कुछ बढ़िया रहेगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी इसके टायर मतलब व्हील अलाइनमेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा पीछे का जो रियर व्हील है वो दिक्कत दे रहा है मेरे को, थोड़ी सी ना उसमें अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, तो उसे भी ठीक कराएंगे, तो उसकी वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। तो स्टे ट्यून गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।